जिनगर समाज संघर्ष समिति फलोदी द्वारा सौंपा गया प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी फलोदी को ज्ञापन। जिनगर समाज के लापता युवक राहुल जिनगर का 3 दिन बाद शव कृत्रिम झील में मिलने से जिनगर समाज फलोदी द्वारा हत्या का अंदेशा जताकर मुख्यमंत्री के नाम SDM फलोदी अर्चना व्यास को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। जिनगर समाज संघर्ष समिति फलोदी के तत्वाधान में प्रदेश मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन में बताया गया है कि लापता युवक राहुल जिनगर का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी के साथ मारपीट करते हुए उसकी बेरहम से हत्या कर आरोपियों द्वारा सबूत छिपाने का प्रयास किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन में जिनगर समाज द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना समक्ष प्रदर्शन के दौरान पुलिस व समाज के लोगों के मध्य वार्ता हुई थी कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में से किसी के भी खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन 8 नामजद लोगों सहित प्रदर्शन कर रहे अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला वापस लेने की मांग के साथ ही पोस्टमार्टम के तुरंत बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, जो अब तक नहीं की गई है। इतना ही नहीं, वार्ता दौरान फलोदी पुलिस थानाधिकारी को निलंबित करने का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज जिनगर समाज के महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम SDM अर्चना व्यास को सौंपा ज्ञापन। बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष जिनगर मोहल्ले से निकलकर बड़ी संख्या में शहर के मुख्य सड़क मार्गों से होते हुए शांतिपूर्वक उपखंड कार्यालय फलोदी पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड कार्यालय में शालीनता से बैठकर मुख्यमंत्री के नाम SDM फलोदी अर्चना व्यास को सौंपा ज्ञापन। हमारे साथ में जो समझौता वार्ता हुई थी उस संबंध में ये ज्ञापन हम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारे खिलाफ में जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो बिल्कुल झूठा है। हम लोगों ने शांतिपूर्वक मार्च किया था। शांतिपूर्वक मार्च करने पर अगर पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ में ये एक्शन ले रहा है, ये एक्शन बिल्कुल झूठा है। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री महोदय और जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस प्रकरण को, झूठे प्रकरण को वापस लिया जाए और साथ में जो राहुल देवड़ा के साथ में जो भी निर्मम हत्याकांड हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए।